गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अनिता भास्कर। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैं कहीं जाने के लिए रेडी हुई हूँ और आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहेंगे तो सब पता चल जाएगा। तो मैं रेडी हो रही थी तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो आप लोग को बताया नहीं, तो अब बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, आगे क्या है मैं आप लोग को बताऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ हल्का सा मेकअप करने के लिए। वो मेकअप नहीं बोलूँगी मैं, जो नॉर्मली करती हूँ वही करूँगी। मैंने क्रीम थोड़ा हल्का सा लगा लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं फेस पाउडर यूज़ करूँगी। मैं कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं लगाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं है। और मुझे जाना कहाँ है वो आप लोग को तो पता चल ही जाएगा, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे मस्कारा और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स आप लोग ये लिपस्टिक देख लीजिए और फाइनल लुक देखिए मेरा कैसा लगता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इयर रिंग चेंज नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल रेडी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बेटी भी रेडी है और मम्मी भी आ गई है। तो अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि एक्चुअली मैं जा कहाँ रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स मंदिर जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही मैं हर सोमवार को मंदिर जाती हूँ। तो आज भी मैं मंदिर जा रही हूँ और वो मंदिर जहाँ जाती हूँ वहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत ही पुराना मंदिर जा रही हूँ। उसके बारे में आप लोग ब्लॉग पे बने रहेंगे तो सब पता चलेगा। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, मिलते हैं मंदिर। तो यहाँ का हरियाली देखिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और गांव के बहुत ही अंदर आए हैं हम और फाइनली हम मंदिर आ चुके हैं। ये गेट देख रहे हैं आप, ये पहला गेट है और यहाँ पर हमें कुछ कुछ लेना है। तो फ्रेंड्स हम बहुत ही गांव के अंदर बहुत ही अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स दुकान उतना नहीं है, तो जो हमें मिला है तो यहीं पे मैंने दिए वगैरह ले लिया है। तो अभी फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर, अंदर चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, गणपति दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं अंदर। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि गुफा क्यों है, इतना अंधेरा क्यों है, तो इसके पीछे भी कारण है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं आप लोग को कुछ बताऊँ ही ना, जो मुझे पता नहीं है तो क्या बताऊँगी। और इसके अंदर क्या है मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पर अच्छा एक छोटा सा शिवलिंग है, इसके पूजा करते हैं। तो पंडित जी सारा पूजा करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मंदिर है सब पूजा करवा रहे हैं और हम उनके साथ पूजा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वो जैसे जैसे वैसे ही किए जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी एक गुफा है, अंधेरा पूरा प्लेन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरा हल्का सा जो लोकेशन है आप लोग को दिखा दूँ। यही मंदिर है और नीचे गुफा है। तो फ्रेंड्स हम लोग का पूजा हो गया है कम्प्लीट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके। नमा अच्छा लगा और अच्छा लगा। मम्मी बोल रही थी कि पूरा परिवार आता तो और ये ज़्यादा अच्छा लगता। मेरे हस्बैंड नहीं आए हुए हैं घर पे, दीदी मम्मी सॉरी पापा भाई बाकी सब लोग नहीं आए हैं। अगर सब आते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये हमारा बहुत ही पुराना मंदिर है जो अभी तक इसमें बहुत ऐसी रहस्य छुपी हुई है जो हमको पता नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें तो आके बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को मंदिर आके कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शांति है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांति है। फिर कभी आएंगे पूरे परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ। तो अभी हम चलते हैं घर, धूप भी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स घर पर मिलते हैं। घर पहुंच के यम्मी सा मैगी बनाया मैंने, बहुत ही टेस्टी सा मैगी है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है जो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ।